सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका तथा मिनी बहनों का आज के आंगनबाड़ी वीडियो में स्वागत है। तो बहनों, आप लोगों का नया ड्रेस आ चुका है जो कि मध्य प्रदेश शासन तथा महिला बाल विकास विभाग की तरफ से संशोधित आदेश है जो कि राज्यपाल के द्वारा दिया गया है। हम आपको बता देते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए गहरे नीले रंग की बॉर्डर वाली गाजरी रंग की गहरी रंग की साड़ी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए रामा ग्रीन बॉर्डर वाली हल्के गाजरे रंग की साड़ी का उपयोग निर्धारित हुआ है। हम बता दें कि यह चीज़ मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से ही हुआ है, मतलब मध्य प्रदेश के राज्यपाल के आदेशानुसार ही हुआ है। तो हम यहाँ पे बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के समस्त राज्य मध्य प्रदेश के समस्त जिला कलेक्टर को भी यह चीज़ बताया गया है, संभाग आयुक्त को भी, और महिला बाल विकास जहाँ जहाँ भी संचालन करती है, संभागीय संयुक्त संचालक जहाँ जहाँ भी हैं मध्य प्रदेश में, हर जगह पे यह चीज़ आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी गई है कि जल्द से जल्द अपने ड्रेस को अब बदल लें। हालांकि यह ड्रेस देखने में बहनों पहले वाले ड्रेस से ज़्यादा ठीक लगता है। आप देख सकते हैं गहरे गाजरे रंग की जो ये साड़ी है और स्ट्रेट नीले रंग का बॉर्डर है सीधा, जो कि इस बार देखने में पिछले वाले ड्रेस से ज़्यादा सही लग रहा है। पिछला वाला जो ड्रेस था वह थोड़ा सा ख़राब था सिर्फ बॉर्डर की वजह से। भी बता दें बहनों की यह जो यूनिफॉर्म का आदेश जारी है वह सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए है, सहायिकाओं का ड्रेस अभी भी पुराना लगेगा। जो उनका हर के ग्रामा ग्रीन बॉर्डर वाली साड़ी है उनको वही लगेगी, अभी उनके लिए ड्रेस को क्लियर नहीं किया गया है। सिर्फ कार्यकर्ताओं के लिए ही ड्रेस को जारी किया गया है, जिसमें पहले वाले ड्रेस में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बॉर्डर से लेके ही शिकायत थी, जो कि इस बार बॉर्डर को थोड़ा ठीक ठाक सीधे लाइन में दे दिया गया है। अब यह है कि सहायिकाओं का कब तक ड्रेस आएगा, नई साड़ी आएगी, इसके बारे में अभी तक कोई भी जानकारी यहां पे उपलब्ध नहीं है। तो बहनों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके आप अपने सवाल पूछ सकती हैं। चैनल को आप लोग भी जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुप आंगनबाड़ी ग्रुप तथा व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर कर दीजिएगा। इसी के साथ हम मिलेंगे बहनों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।